नमस्कार, आप देख रहे हैं बातें यूपी की। नेहा अपने बहन प्रीति को याद करते हुए कहती हैं कि जब उन्होंने पहली बार अपनी छोटी बहन प्रीति को देखा तो उसके पैर एक साथ जुड़े हुए थे। उन्होंने सोचा कि एक छोटी सी प्रॉब्लम है, लेकिन जब डॉक्टर्स ने बताया कि प्रीति सेरेब्रल पाल्सी से पीड़ित हैं तो परिवार को बड़ा धक्का लगा। प्रीति ने अपने जीवन के 10 साल बिस्तर पर ही बिताए और उनकी सारी गतिविधियां, सारे मूवमेंट्स बेड पर ही सीमित थे। नेहा ने बताया कि प्रीति के पैरों पर हर वक्त प्लास्टर बंधा रहता था और बिस्तर से उठ भी नहीं सकती थी। इलाज और कठिनाइयों के बावजूद प्रीति ने कभी हार नहीं मानी। जब उनका प्लास्टर हटा और उन्होंने धीरे धीरे चलना शुरू किया तो उनके पैर काफ़ी कमजोर थे और वो अक्सर ही गिर जाती थी, लेकिन प्रीति का हौसला कभी नहीं डगमगाया। जी हाँ, आज हम एक ऐसी कहानी की बात करेंगे जो न केवल हिम्मत और लगन की मिसाल है, बल्कि हर उस सपने को पूरा करने की प्रेरणा भी देती है जो मुश्किलों के बावजूद पंख फैलाने की ताकत रखते हैं। ये कहानी है प्रीति पाल की, जिन्होंने पेरिस पैरालंपिक में भारत के लिए 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। प्रीति की कहानी बहुत ही खास है जो हर दिल को छू लेती है। प्रीति पाल उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के कसेरू बक्सर गांव की रहने वाली हैं। जब प्रीति का जन्म हुआ तो उनकी दोनों टांगें जुड़ी हुई थी। ये न केवल उनके परिवार के लिए एक बड़ी चुनौती थी, बल्कि उनके खुद के जीवन के लिए भी ये एक बड़ी मुश्किल से कम नहीं था। शुरुआती जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ था। प्रीति का सफर आसान नहीं था। सेरेब्रल पाल्सी एक ऐसी बीमारी है जिसमें मांसपेशियों और दिमाग के बीच में सही संवाद नहीं हो पाता, सही कम्युनिकेशन नहीं हो पाता, लेकिन प्रीति ने इस चुनौती को अपने साहस, अपने मेहनत से पार कर लिया। प्रीति ने अपने सपनों को सच करने की ठान ली थी। उन्होंने अपनी पढ़ाई के साथ साथ खेलों में भी कदम रखा। टीवी पर दिव्यांग खिलाड़ियों के वीडियो देखकर प्रीति ने यह निश्चय किया कि वो भी एक खिलाड़ी बनेंगी। उसने कैलाश प्रकाश स्टेडियम में प्रैक्टिस करना शुरू किया और इसके लिए रोजाना 20 किलोमीटर की यात्रा ट्राई साइकिल पर की। एक दिलचस्प किस्सा ये भी है कि प्रीति की दादी ने भारतीय संस्कृति के मुताबिक एक अजीब लेकिन प्रभावशाली तरीका अपनाया। उन्होंने सूर्य ग्रहण के समय प्रीति के शरीर को गोबर में दबा दिया ताकि उसके पैर ठीक हो सके। हालांकि ये तो एक ट्रेडिशनल उपाय था, ये कहाँ तक सच है कहाँ तक गलत है ये हमें नहीं मालूम, लेकिन प्रीति की दादी का ये प्यार और ये विश्वास निश्चित तौर पर प्रीति के लिए हौसले का हिस्सा बन गई। प्रीति के लिए इस यात्रा में उनका परिवार और उनकी बहन नेहा हमेशा समर्थन की ताकत बने रहे। नेहा ने बताया कि जब प्रीति ने पेरिस पैरालंपिक में 200 मीटर और 100 मीटर रेस में ब्रॉन्ज मेडल जीते तो खुशी का ठिकाना नहीं था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रीति से फोन पर बात की और उनकी सफलता पर उन्हें बधाई भी दी। प्रीति ने कहा कि उनका सपना था कि अपने देश का तिरंगा दूसरे देश में लहराए। प्रीति की सफलता ने उनके गांव में एक जश्न का माहौल बना दिया। कसेरू बक्सर और आसपास के गांवों में आतिशबाजी और खुशी का माहौल था। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी सोशल मीडिया पर प्रीति को बधाई दी। प्रीति ने अपनी जीत के बाद सबसे पहले अपने परिवार से वीडियो कॉल पर बात की और कहा कि वो मेरठ आकर सबसे मिलेंगी और एक साथ अपना बर्थडे मनाएंगी। खैर, प्रीतिपाल की यह कहानी हमें सिखाती है कि अगर किसी के पास लगन है, हिम्मत है, तो किसी भी बाधा को पार किया जा सकता है। प्रीति की मेहनत और साहस ने न केवल उन्हें सफल बनाया बल्कि लाखों लोगों को प्रेरित किया। उनके सपनों की उड़ान ने हमें यह समझाया है कि असली जीत तो उस संघर्ष में होती है जो हम अपने सपने को पूरा करने के लिए करते हैं। तो इस एपिसोड में इतना ही। हम फिर मिलेंगे किसी नई कहानी के साथ, किसी नई प्रीति के संघर्ष की कहानी के साथ। अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इस प्रेरणादायक कहानी से सबक लेते हुए हम भी अपने जीवन की चुनौतियों का सामना साहस और उम्मीद के साथ करें, बस यही हमारी कामना है। अभी के लिए हमें दीजिए इजाज़त और आप देखते रहें और करते रहें बातें यूपी की।